मिर्जा साहब, पैदल ही चलवाते रहोगे? कोई रक्षा रोक लो, मेरी तो टांगे जवाब दे गई हैं। वाह बेगम वाह, चंद कदम चलने से ही टांगे जवाब दे गई तुम्हारी। अल्लाह बख्शे तुम्हारी सास और मेरी वालदा मोहतरमा सारा कराची पैदल घूम आया करती थी, लेकिन थकन का नामो निशान उनके चेहरे पर हुवैदा नहीं होता था, और एक तुम हो। अस्तग़फिरुल्लाह। मिर्ज़ा साहब, अव्वल तो मैं आपकी बीवी हूँ, माँ नहीं, लिहाजा मेरा उनसे मुकाबला ना किया करें। दूसरा ये कि जब आपकी माँ पैदल घूमा करती थी, उस वक्त कराची माचिस की डिबिया जितना था, यूं अजदेहे की तरह नहीं फैला हुआ था, समझ आई? अच्छा अच्छा बेगम, अब सड़क पर हंगामा तो मत खड़ा करो, ट्रैफिक का इस कदर शोर है, और फिर आपका भी शोर तो सौती आलूदगी यानी नॉइज पॉल्यूशन दुगना हो रहा है। मिर्ज़ा साहब, ज्यादा बातें मत करें, रक्षा रोकें, खुदा के लिए मुझसे चला नहीं जा रहा। रिक्शा रिक्शा भाई, रिक्शा रोको जरा, रिक्शे वाले रोको रोको भाई। रिक्शे वाले चलोगे क्या? बाबा जी चलने के लिए रक्षा सड़कों पे दौड़ाए फिरते हैं, वरना कोई रक्षा रैली तो नहीं हो रही? भाई हमें मार्केट जाना है। बाबा जी जहाँ दिल करे जाओ, हमने तो आपसे किराया ही लेना है ने? अबे ना हंजार, हम तुम्हारी बदतमीजी मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं, और तुम हो के मुसलसल बदतमीजी किए जा रहे हो। अरे बाबा, कौन सी बदतमीजी की है मैंने आपसे? ये बाबा जी किससे कहे जा रहे हो तुम इतनी देर? बिल्कुल जी, मुझे तो आप बाबा जी ही दिखाई देते हो। चले जाओ, हमारी नजर से फौरन दूर हो जाओ, फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। आप चले जाओ ना मुझसे दूर, मैं तो अब यहाँ पे रुकूंगा, सिगरेट पीऊंगा, फिर जाऊंगा। मिर्ज़ा साहब, क्यों नाहक तकरार करते हैं, किराया तय करें। नामाकुल इंसान, मार्केट जाने के कितने पैसे लोगे? सिर्फ 200 रुपए लूंगा मार्केट तक जाने के। अबे नाहंजार, क्या ये रक्षा उड़ता है जो तुम हवाई जहाज का किराया मांग रहे हो हमसे? ये रक्षा नहीं उड़ता बाबा जी, तेल और गैस की कीमतें उड़ती हैं, उनको पकड़ने के लिए किराए को भी पर लगाने पड़ते हैं। अबे जो कुछ भी हो, हम 200 रुपए तो हरगिज नहीं देंगे तुम्हें। ना दे किराया बाबा जी, ना दे, बस 6-7 किलोमीटर दूर है मार्केट, पैदल चले जाएं, वैसे भी इस उम्र में वाक सेहत के लिए अच्छी होती है। मिर्ज़ा साहब, क्या है, क्यों तकरार करते हैं? बेगम तुम्हारी वजह से हमें इस नामाकूल इंसान से हम कलाम होना पड़ रहा है, आपकी वजह से तो हम मजबूर महल बनकर रह गए हैं। मिर्ज़ा साहब, क्या है, क्यों तकरार करते हैं? चलो ऐसे करो, 50 रुपए ले लो और हमें मार्केट से थोड़ा पीछे ही उतार देना। नहीं बाबा जी, 200 रुपए से तो 1 रुपया भी कम नहीं होगा। मिर्ज़ा साहब चलो बैठे, हम ज्यादा बहस ना करें। बेगम आपका दिमाग तो ठीक है, 200 रुपए हमने इसको दे दिए तो बकाया 300 रुपए में हम क्या खाक खरीद कर लाएंगे? अरे बाबा, आप मुझे 200 रुपए किराया ना भी दें, तो भी 500 रुपए में आपको खाक के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्लाह हाफिज, आप तो अपना और दूसरों का वक्त बर्बाद करने घर से निकले हैं। इस कदर गरानी में हम दिल वाले कहाँ जाएं? जिंदगी हुई मुश्किल, सोचा था कि मर जाएं। कफन और कब्र का खर्चा जब हुआ मालूम, मरने को जी नहीं चाहा, सोचा फिर किधर जाएं? आखिर हम पे ये उकदा मिर्ज़ावा हुआ है अब, कि घर वालों की दुनिया से दिल वाले निकल जाए। लो मिर्ज़ा साहब, आपने तो सड़क पर ही मुशायरा शुरू कर दिया, शॉपिंग तो गई कुआं बहाड़ में। बेगम हमारा मार्केट जाने को जी नहीं चाह रहा, चलो वापिस चले।